हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कौशल अरवाल। आज शुरुआत करते हैं एक थॉट से। क्या थॉट? एग्जाम से रिलेटेड थॉट कि आपकी तैयारी कौन करवाता है भाई? आपकी तैयारी कोई नहीं करवाता, आपकी तैयारी आप खुद करते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना तैयारी करने में, वो होता है भाई दो ही चीज़ों से आप तैयारी में आप सक्सेस पा सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी से और दूसरा प्रैक्टिस से। ठीक है, आप कुछ भी करो, चाहे किसी की क्लास पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मेरी क्लास पढ़ो मत पढ़ो, दो काम 100% आपको करने हैं। एग्जाम तक 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। इस सेल्फ स्टडी के अंदर आप कोई वीडियो देख रहे हो ना, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक उठा के देख लिया, उस टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 30 to 50 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये आप मंत्रा अपना लें पेपर तक। 30 दिन तक अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और दिन की शुरुआत ही प्रैक्टिस से करनी है। अब बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉम और उनके पॉइंट। ठीक है, पॉम और पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो मेरे भाई, मैं है ना पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मेरे सिलेबस एनालिसिस की जाके वीडियो देख लो, उसके बाद कैसे आपको 1 महीने के अंदर तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर HSSC TGT स्क्रीनिंग नाम की मैंने वीडियो डाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या छोड़ दे क्या ना छोड़ दे, शुरुआत कहाँ से करें, वो जाके देख लीजिए। और आज मैं तीसरी वीडियो ये बना रहा हूँ ये कहते हुए, NCERT को हल्के में मत लेना। NCERT आपको HSSC TGT की बात कर रहे हैं ना, तो भाई 6th to 10th नहीं पढ़े ना, 6th to 8th तो आपको पढ़ के ही जानी है। 6th to 8th का टेक्स्ट आप 100% पढ़े। टेक्स्ट पढ़ने का अभी टाइम है, 15 दिन के बाद आप कभी भी टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे। आफ्टर 15 डेज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यही 15 दिन है आपको कुछ नया पढ़ने का। आफ्टर 15 डेज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब पॉम और जो पॉइंट है, वो जो ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरीज के ऑथर हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये वीडियो में सिर्फ हम पॉम और पॉइंट की ही बात करेंगे। मेन बुक ही लर्न कर लो, सप्लीमेंट्री बुक को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। क्या क्या लर्न करेंगे और क्या क्या हमें याद रहेगा। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? उसके 3 रीजन हैं। उसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हु इज द ऑथर ऑफ। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी से। ये आपके एचटेट से लिए गए हैं। मैं बार बार एचटेट का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी सिमिलर है सिलेबस एचटेट से, वेरी सिमिलर है सिलेबस आपका, उसी के पैटर्न पे सिलेबस दे रखा है स्क्रीनिंग का, उसी के पैटर्न पे पेपर आएगा। इस बात को याद रखना, जब आप पेपर दे के आओगे ना, तो उसके बाद बात करेंगे कि क्या का क्या क्वेश्चंस आए और क्या क्वेश्चंस नहीं आए और क्या मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली पूछ लेता है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के ऑथर कौन है। कोई भी एक चैप्टर देगा जिसमें पॉम होगी या शॉर्ट स्टोरी ही है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली आपका पॉइंट या ऑथर पूछ लेगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मिस बीम इज अ करेक्टर ऑफ विच स्टोरी, यानी कि ये जो करेक्टर पूछ लेगा। देखो पहला क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली ऑथर या पॉइंट पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो क्या पूछेगा, आपका पूछेगा कि करेक्टर्स के बारे में, कि ये करेक्टर्स किस स्टोरी में है या किस पॉम में है। और डायरेक्टली पॉम के बारे में क्या पूछ सकता है, द स्पीकर इन द पॉम द शेड, ये शेड जो है एक पॉम है आपकी किसी एक क्लास में, उसके अंदर जो जो पॉइंट है, जो स्पीकर है, वो कौन है, ठीक है, उसका करेक्टर क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और डायरेक्टली तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, हु सेड टू हुम, हु सेड टू हुम, यानी कि ये बात किसने किसको बोली, या और क्या पूछ सकता है कि ये जो एक्शन, कोई भी एक एक्शन दे देगा, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा कि ये जो एक्शन हुआ है या ये जो इवेंट हुआ है वो किसके साथ हुआ है।
अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एनसीईआरटी का टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड अपने आप पढ़ना है, किसी टीच समरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, पूरा टेक्स्ट पढ़ो। पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज, आपकी जो वोकेबलरी सेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। दूसरा, टेक्स्ट पढ़ोगे तो स्टोरीज आपको, आपने खुद पढ़ी है तो याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2 से 3 दिन ही लगेंगे। डेली अगर 2-2 घंटे लगाते हो ना, 3 ही बुक तो कवर करनी है। और उसके बाद तीसरी बात क्या होगी, उनके अंदर छिपे हुए हिडन मीनिंग्स जो होंगे, जो डायरेक्टली जैसे केवीएस में हुआ था, टेक्स्ट समरी सब पढ़ के गए थे लेकिन डीप पूछ लिया। अगर ऐसे डीप पूछ लिया ना एक चैप्टर के अंदर से, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँ ना तो रेट करूँ 1 से लेकर 10 तक लेवल एक ही चैप्टर से बना सकता हूँ। उसी चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता हूँ जो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूँ कि एक बार रीडिंग करते ही हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए ना तो आपकी भाई चांदी हो जाएगी, एनसीईआरटी ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं मुझे डायरेक्टली, डेली मेरी क्लास देख रहे हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं या डायरेक्टली मुझसे ही पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी करके सिर्फ मेरी वीडियोस रिवीजन के लिए देख रहे हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ कि मुझसे सिलेबस मत करो, आप मेरी वीडियोज तो रिविजन के लिए देखो, क्योंकि 30 दिन में अगर मुझसे सिलेबस करोगे ना तो आप बहुत पीछे हैं तैयारी में, ठीक है। मेरी वीडियोज तो ऐसे देखा करो कि आप है ना, आपको है ना जानकारी लेनी है सारी चीजों की, भाई क्या 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 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियोज में सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पुट होगा। जो सीरियस कैंडिडेट है, पहले ही बोल देता हूं कि भाई 3 चीजें करनी है, कमेंट में प्रेजेंट लिख लो, ठीक है। उसके बाद एक लाइक कर दो, जितने कमेंट होंगे ना उतनी लाइक तो होने ही चाहिए, और उसके बाद एक शेयर कर दो। मेरे भाई बच्चे सोचते हैं सोचते हैं हम क्यों शेयर करें, हमें क्या पड़ी है। मेरे भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर का मैंने टाइपिस्ट सेंटर बना दिया है, घर वालों को मैंने टाइपिस्ट बना दिया है कि ये टाइप करो, वो टाइप करो, ये स्लाइड बनाओ मेरे लिए, वो स्लाइड बनाओ, खाने का पता नहीं है, पीने का पता नहीं है, इतना तो कर सकते हैं ना आप। दूसरा, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो पेड कोर्स किसी का नहीं कर सकते, जो 5 या 6 हज़ार अपना नहीं लगा सकते, फिर भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी हरियाणा में, तो एक शेयर तो भाई कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, फेमस नहीं होना, मुझे सिर्फ कंटेंट देना उन बच्चों को जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पॉम्स की। देखो, पहली जो क्लास है ना, इम्पोर्टेंट हनी सकल नाम की ये बुक है, ठीक है। इसमें पहली जो पॉम है ना, अच्छा कैसे लर्न करना है, आप है ना अपनी तरफ से कीवर्ड बना लो। मैं बोलता हूं कि डायरेक्टली हूबहू कभी याद रह ही नहीं सकता, आप है ना ऐसे कीवर्ड बना लो, जैसे कि पहला है अ हाउस अ होम लॉरेन एम हाली, तो यहाँ पे हाउस अपनी लैंग्वेज में बना लो, जैसे अपन तो हरियाणा के है तो मजा आता है ऐसे ऊटपटांग बनाने में। हमारा जो घर है ना वो भूकंप में हली, ठीक है, भूकंप आया था अभी 2 दिन पहले, हमारा घर भूकंप में हली, तो आ हाउस आ होम लोरेन एम हली, ठीक है। कुछ कुछ है ना, कुछ कीवर्ड लर्न कर लो, पूरे के पूरे नाम लर्न, क्या पता किसी को होंगे या नहीं होंगे, तो अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना लो, किसी की जरूरत नहीं है कि आप हमें ट्रिक बना के दो। जैसे द काइट हैरी बेन, ठीक है, काइट ने हैरी ने उड़ाया काइट, ऐसे करके आप बना सकते हैं। द क्वेल इलियन फार जॉन, ब्यूटी ई ये श्योर, ब्यूटी है उसकी ब्यूटी श्योर है, यानी कि हमें पता है कि वो ब्यूटीफुल है, ऐसे कुछ भी कीवर्ड बना लो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन कीवर्ड बना के ही लर्न करना, सारी चीजें एक साथ याद नहीं होती है। और अगर आपने टेक्स्ट पढ़ लिया ना तो आपको कीवर्ड भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक तो उन बच्चों के लिए है जो टेक्स्ट पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ है ना ये पोइट और ये पोम लग के रट के चले जाएंगे कि है ना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, पीटर डिक्सन, द वंडरफुल वर्ड्स, मैरी ओनील, वोकेशन,
वेरी इंपॉर्टेंट, अब है ना इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा साथ साथ, जो लर्न करने ही करने हैं। वोकेशन रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन राइटर्स जो फेमस है ना उनके तो आने करने ही करने हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के नहीं है। जैसे कई बहुत सारी पोम और बहुत सारे चैप्टर है ना आपके जैपनीज लिटरेचर से ले रखे हैं, वो पक्का लर्न करना। अच्छा फोर्थ ब्यूटी ई ए शो, ये लर्न करना है 100% आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इफ सेल्वस्टीन लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन ये करनी ही करनी है पोएम आपको लर्न, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेवंथ की क्लास में, हनी कॉम, द स्क्वेयर मिल्डर बाउल्स आर्मस्ट्रांग, ऐसे ही लर्न कर सकते हो इसको। जो स्क्वेयर है ना वो पेड़ पे चलती है और उसकी जो आर्म है ना वो स्ट्रोंग है, ऐसे लर्न कर सकते हो। द रेबेल, रेबल है ना, रेबल यानी कि बच्चे है ना, माँ बाप के रेबल हो जाते हैं। माँ बाप तो कहते रहते हैं कि है ना आप है ना आपको रात को बाहर नहीं जाना, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो डीजे नाइट जाना है, डीजे एंड राइट, ऐसे लर्न कर सकते हो। द शेड, देखो अभी क्वेश्चन पूछा था द शेड, फ्रैंक फ्लिन, ठीक है, ये जैपनीज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीवी माइकल रोसेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीज शिरली बुआ, ठीक है। मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन मॉड रूबिन, इम्पोर्टेंट, आ सकती है पेपर में। डैड एंड द कैट एंड द ट्री किट राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकती है पेपर में। मिडो सरप्राइज लुइस ब्रैनेट फिलिप्स, ठीक है। गार्डन्स लेक मॉरेल एलसेने, ये आ सकती है पेपर में। ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। द एंट एंड द क्रिकेट एस ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जियोग्राफी लेसन्स जुल्फिकार घोष, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी एस इलियट, अरे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो जिसको ये नहीं पता ना कि कौन कौन से पोइट किस किस पीरियड में फेमस हैं, जैसे ये मॉडर्न है, मॉडर्न एज से रिलेटेड है, ठीक है, मॉडर्निस्ट हैं, तो यहाँ पे है ना ये इस तरह के जो पॉइंट दे रखे हैं ना आपके, कीट्स हो गया, थॉमस हार्डी हो गया, विलियम ब्लेक हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ये तो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे तो पूछे ही जा सकते हैं। आपसे ये पूछ लेगा, आपको बच्चे बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा भाई, एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम था और वो फेमस आपका पॉइंट था, फेमस आपके किसी एज का पॉइंट था, उसका क्वेश्चन पूछ लिया, पोएम का नाम पूछ लिया। सारे वर्क्स कैसे याद करें, सारे वर्क्स याद करने की जरूरत नहीं है, उनके मार्क्स वर्क्स, और जो 6th to 12th तक जितने भी ये आपके दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, ये सारे आपको लर्न करने ही करने हैं। द लास्ट बार्गेन रविंद्रनाथ टैगोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब द स्कूल बॉय विलियम ब्लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्लास 8 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 8 और 7 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको तो एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। विलियम ब्लेक द स्कूल बॉय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई सेट आउट द लायनेस थॉमस हार्डी, या लायनेस जो है फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, थॉमस हार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑन द ग्रास ओवर होपर एंड द क्रिकेट जोन कीट्स सोनेट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मच मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9th की, बिहाइव द रॉड नॉट टेकन, अब फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गया तो मेरे भाई वन ऑफ माई फेवरेट, 100% आएगा। विंड सुब्रमणिया भारती, तमिल से ये ट्रांसलेटेड है, इम्पोर्टेंट। रेन ऑफ द रूफ कॉट्स कॉट्स किनी, इम्पोर्टेंट। द लेक आइल ऑफ इंस इंस इज फ्री, विलियम बटलर येट्स, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड फेबी कैरे, इम्पोर्टेंट। नो मैन आर फॉरन जेम्स किरकप, ठीक है। द डक एंड द कंगारू एडवर्ड ली, ऑन किलिंग अ ट्री ग्लीव पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रीज जॉक किल्मर,
इम्पोर्टेंट, स्नेक ट्राइंग WWE रोस ऐसे कर सकते हो, स्नेक ट्राइंग WWE रोस, WWE जो फाइटिंग वाला आता है ना उसमें स्नेक ट्राई कर रहा है, ऐसे लर्न कर सकते हो। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा आप खुद देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। द डस्ट डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम देखो भाई, देखो खुद दिख रहा है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे लिजल नॉरिस अ टाइगर इन जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरलन वेल्स द बाल पोयम, जॉन बेरीमैन एनिमल्स, वॉल्ट व्हाइटमैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट द बॉल पोयम भी आपका आ सकता है। द ट्रीज एंड्रेनी रिच फॉग, कार्ल सैंडबर्ग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन ओजन नैश, फॉर एन ग्रीगरी, विलियम बटलर ईस्ट। देखो इसकी पहले भी आई थी, फिर से आ गई, अमेंडा रॉबिन क्लीन। तो ये आपकी 6th to 10th तक आपकी सारी की सारी पोम्स थी, इनके राइटर्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टोरीज एंड राइटर्स। भाई सिंपल सी बात है, आप फॉलो कर रहे हैं, 100% फॉलो कर रहे हैं, तो भाई एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट प्रेजेंट सर। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।